ओके सो लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन। तो कल के सेशन में हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन डिटेल वापस से देखा। आज हमको देखना है ऑप्टिकल फाइबर। सो व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर? इफ यू रिमेम्बर, ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली इज आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, वायर इन द फॉर्म ऑफ ग्लास। दिस इज लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंड्रिकल मोर और लेस फ्लेक्सिबल ग्लास ऐसा है आपके पास। इसको आपने बोला था कोर, इफ यू रिमेम्बर दिस इज कॉल्ड एज कोर। ये है कोर। देन ये जो आपके पास मटेरियल है इसको आप कोट करते हो, कोटिंग करते हो, लेयर लगाते हो उसके ऊपर, इसको आप बोलते हो क्लैडिंग। सो यू पुट अ लेयर ऑन दिस, ओके, विच इज कॉल्ड एज क्लैडिंग, समथिंग लाइक दिस। एंड इफ यू रिमेम्बर कोर ऑप्टिकली डेंसर है एंड क्लैडिंग ये ऑप्टिकली रेयर है। क्लैडिंग, सो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज लेट अस से म्यू वन एंड दिस इज म्यू टू। एंड यू ऑलरेडी नो, आपको पता है म्यू टू इज लेस देन म्यू वन, करेक्ट, राइट। क्यों यूज करते हैं हम लोग ये यूज करते हैं फॉर डेटा ट्रांसमिशन, हाई स्पीड इंटरनेट। बट द प्रिंसिपल इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो पहले, सबसे पहले हमको सिग्नल को अंदर भेजना है। एंड इन दिस केस लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। तो व्हाट हैपेंस हियर इज, यहां पे इफ यू सी द लाइट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। अब यहां जो एंगल बनेगा अल्फा, ये एंगल डिसाइड करेगा कि ये एंगल क्या है, और दिस एंगल विल डिसाइड व्हाट इज द एंगल ओवर हियर। रिमेंबर मैंने आपको दो कंडीशंस बताई थी फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नंबर वन, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इसीलिए कोर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इट इज ग्रेटर देन क्लैडिंग। मतलब जब इस बाउंड्री पे या फिर पॉइंट ए पे जब रे आएगा, इट मस्ट बी ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ओके। अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ, if the angle of incidence inside is greater than critical angle, then the light undergoes total internal reflection, okay, something like this. Then again at this boundary yahan pe wapas se total internal reflection ho sakta hai aur hoga, kyun hoga, I'll tell you by simple laws of reflection and by simple geometry। आपको पता है जब रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ इसलिए आप बोल रहे हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो आपको पता है जब रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में होता है तो ये एंगल भी सेम होगा। दिस इज आई, दिस इज आल्सो आई, करेक्ट। इफ दिस इज आई, दिस इज आल्सो आई, स्कूल ज्योमेट्री, अगेन दिस इज आई, दिस विल बी आई, वापिस यहाँ पे भी सेम आई, राइट। तो जब तक ये रे कोर के अंदर है तब तक उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहे, राइट। तो बाहर निकालना है तो हमारी मर्जी, हम आधे में ही काट देंगे इसको, वापस से एक बार हम लोग रिफ्लेक्ट होने देंगे नहीं। तो इट विल कम हियर एंड इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल एंड इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल एंड यू कैन टेक इट आउट, ओके। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, ओके, राइट। तो हमारे ऊपर है कि हमने इस केबल को कैसा एडजस्ट किया है, राइट। नंबर वन, सबसे पहले सिग्नल को अंदर भेजना पड़ेगा, कहां से, एयर या फिर किसी और मीडियम से। ये अल्फा एंगल डिसाइड करेगा कि अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। तो अल्फा की वैल्यू हमको ऐसे एडजस्ट करनी पड़ेगी सो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इनसाइड इज ग्रेटर देन क्रिटिकल। इसका मतलब द ray of light should go
शुड अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ मतलब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा एंड दिस वे. ओके, सो दिस इज हाउ इट गोज आउट. क्लियर? तो फाइबर ऑप्टिक्स कंसिस्ट ऑफ कोर एंड क्लैडिंग. कोर इज ऑप्टिकली डेंसर कंपेयर टू क्लैडिंग. ओके, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल इनसाइड द केबल सो दैट द रे ऑफ लाइट अंडरगोस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. बट दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कंट्रोल्ड बाय सम एंगल अल्फा. करेक्ट, इसको आप बोलते हो एक्सेप्टेंस एंगल. दिस एंगल अल्फा फॉर विच द रे ऑफ लाइट अंडरगोस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस एंगल. क्योंकि एक्सेप्टेंस एंगल क्यों? क्योंकि अगर इस अल्फा की वैल्यू चेंज की तो आई चेंज होगा. आई चेंज हुआ, हो सकता है क्रिटिकल एंगल से कम हो गया. अगर क्रिटिकल से कम हो गया तो रे ऑफ लाइट विल डायरेक्टली गो आउट. ओके, राइट, तो ये याद रखना. व्हाट इज दिस अल्फा कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस एंगल. तो एक्सेप्टेंस एंगल का फॉर्मूला इज गिवन बाय साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर. रिमेंबर म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू. उल्टा लिखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज यू विल हैव अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर. अगर म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन होता, म्यू फॉर एग्जाम्पल टू एंड वन, तो वन स्क्वायर इज वन माइनस टू स्क्वायर इज वन माइनस फोर इज माइनस थ्री का रूट, इमेजिनरी नंबर. That is why it is important that you understand ki mu 1 is nothing but refractive index of core and mu 2 is refractive index of cladding and mu 1 is greater than mu 2. Ye important hai. Correct? Right? So alpha is the angle, acceptance angle, for which ray of light inside for fiber optic will undergo multiple total internal reflections. ये जो टर्म है, इतने टर्म को आप बोलते हो न्यूमेरिकल एपर्चर. अंडर रूट ऑफ म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर इज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल एपर्चर. राइट, तो दिस इज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल एपर्चर. तो बेसिक चीजें याद रखना, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स डेफिनेटली आपने थ्योरी क्लासेस में सीखा है. दिस ऑल यू हैव ऑलरेडी लर्न, बट एक्सेप्टेंस एंगल और न्यूमेरिकल एपर्चर दिस इज अपियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. एक्सेप्टेंस एंगल इज साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल एपर्चर. व्हाट इज न्यूमेरिकल एपर्चर? अंडर रूट ऑफ म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर. गुड, तो ये पता होना चाहिए. देन देयर इज वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच इज कॉल्ड एज फील्ड ऑफ विजन ऑफ फिश और स्विमर. अब मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या है ये. So what is field of vision of fish or swimmer? मान लो you have a fish or you have a swimmer which is swimming inside, of course inside water. Okay? तो यहाँ पे आपके पास मान लेते हैं हम एक fish है. Fish है या swimmer है, whatever it is. You have a fish or a swimmer, जो भी होगा. Anyways, I'll just redraw this. यहाँ पे अब स्विमर और फिश इज इनसाइड वाटर डेंसर मीडियम. करेक्ट, और आपको पता है कि डेंसर मीडियम में अगर ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जर्वर हो, इफ द रे ऑफ लाइट हियर इज इंसिडेंट एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. मतलब जब तक ये एंगल आईसी है तब तक रे ऑफ लाइट कैन गो आउट. राइट, आईसी या आईसी से कम वैल्यू पे देर विल बी नो टी आई आर. वेरी गुड, करेक्ट. अब जब आप स्विमिंग पूल में हो या फिश स्विमिंग पूल में है, तो एक ही डायरेक्शन में ऐसा होगा क्या? इट विल हैपन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस एंड इट विल मेक अप अ सॉलिड एंगल. मतलब कौन कौन, तो हर एक डायरेक्शन में ये चीज ट्रू है. इट इज पॉसिबल इन ऑल डायरेक्शंस. ये दिस इज आई ऑफ द फिश. ओके, सो दैट इज आई एम ड्राइंग फ्रॉम हियर. ओके, तो यहां पे हर एक डायरेक्शन में ऐसा होगा.
So this angle over here will be again critical IC. Right? Matlab swimmer ya fish can see the outside world only through a cone. इस कोन के बाहर का कोई भी ऑब्जेक्ट वो देख नहीं सकता, फिश या स्विमर. सो यू शुड नो व्हाई, इट इज बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. करेक्ट. हमारा फील्ड ऑफ विजन कितना होता है? 360. यू कैन सी फ्रॉम होराइजन टू एग्जैक्टली अपोजिट होराइजन, मतलब है ना, तो 180 बोल सकते हो आप. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे द फिश कैन सी ओनली थ्रू दिस कोन और एनी ऑब्जर्वर इनसाइड टेंसर मीडियम. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इट इज ऑल बिकॉज ऑफ फिजिक्स एंड दिस इज रे. और आई कैन ड्रॉ एरोज एज आई वॉन्ट, मैं उल्टा भी कर सकता हूँ. क्यों? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. तो डायरेक्शन अपोजिट कर दिया तो भी रे सेम पाथ फॉलो करेगा. तो इट इज हाउ यू कैन से गुड. ओके, नाउ लेट्स डू सम बेसिक ज्योमेट्री हियर. हमको कुछ पैरामीटर्स चाहिए. बाय द वे, ये जो कोन का जो बेस होता है दैट इज सर्कल, दैट इज अ सर्कल. तो हमको इस सर्कल का रेडियस का इक्वेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज लेट अस से म्यू. अगर ये आईसी है तो दिस विल बी आईसी, क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेट एंगल थ्योरम. इसको मैं बोल देता हूं हाइट एच. करेक्ट. मैं वापिस बता रहा हूं करना क्या है, पहले समझ लो. अगर एक ऑब्जेक्ट इनसाइड वाटर है तो वो आउटसाइड वर्ल्ड को सिर्फ थ्रू अ कोन ही देख सकता है. इट इज बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि द डायरेक्शन थ्रू विच द ऑब्जर्वर इज लुकिंग, ओके, इट मे अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस हैपेंस टू बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल नंबर वन. तो ये जो ऊपर मतलब कोन के थ्रू देख सकता है, तो कोन का बेस इज अ सर्कल, राइट. हाइट और डेप्थ ऑफ द ऑब्जर्वर इज एच, आर इज द रेडियस ऑफ द बेस. हमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फर्स्ट टेक यू टू सम इक्वेशंस. हमें करना क्या है पहले वो समझ लो. व्हाट यू वांट टू डू इज आपको रेडियस ऑफ दैट बेस निकालना है, आपको एरिया ऑफ द बेस निकालना है. दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड. यू आर सपोज टू फाइंड रेडियस ऑफ बेस विच इज सर्कल, और आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ दैट सर्कल इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स दैट यू कैन मेजर. तो डेप्थ यू कैन मेजर, मैंने कल ही बताया था. स्विमिंग पूल का डेप्थ मेजर करना तो क्या करोगे, एक स्केल डालते जाओगे, जब स्केल नीचे टच हो जाएगा फिर रीडिंग होगी, हाँ दिस इज द डेप्थ. रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ऑफकोर्स यू नो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के टर्म में भी आप कर सकते हो, राइट. तो यू वॉन्ट टू मेक इक्वेशन ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ एच एंड म्यू. तो ये कैसे बनाएंगे, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो. तो कैसे करोगे, तो इफ यू कैन सी हियर व्हाट इज टैन ऑफ थीटा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. ओके, तो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, मैं अगर यहां पे टैन ऑफ आईसी लेता हूं, जस्ट अ मिनट लेट मी शिफ्ट वॉल दिस ओवर हियर. अगर मैं tan of IC लेता हूं, tan of critical angle आएगा opposite upon adjacent, hypotenuse नहीं, opposite side upon adjacent side. Very good. तो you have tan of IC is R by H. हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था equation for R, equation for area of this base and radius, right? Good. Then what will be your next step? How will you get equation of R in terms of H and mu? क्या करोगे इसके आगे? Tan ICS sin IC by cos IC. Good. You can write tan IC as sin IC by cos IC. Very good. But do you know what is sin IC? Do you know what is cos IC?
पता है आप लोगों को, आपको पता है, कैसे पता है? यू डू यू रिमेम्बर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के टाइम हमने क्रिटिकल एंगल का एक फॉर्मूला बनाया था, स्नेल्स को अप्लाई करके? नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विच इज म्यू इनटू साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल राइट इक्वल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विच इज एयर इनटू साइन ऑफ एंगल हियर इज 90, साइन 90 इज अगेन वन. तो अगर आपको याद होगा तो साइन आई सी इज 1/μ, ये हमने डिराइव किया था. ओके, बट साइन आई सी इज 1/μ, करेक्ट. टैन आई सी इज साइन आई सी बाय कॉस आई सी, बट कॉस कहाँ है? कॉस भी है. डू यू नो, डू यू रिमेम्बर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1? देयरफॉर यू नो कॉस स्क्वेयर थीटा मतलब कॉस स्क्वेयर ऑफ क्रिटिकल एंगल इज 1 माइनस साइन स्क्वेयर क्रिटिकल एंगल, 1 माइनस 1/μ का स्क्वेयर. तो दिस इज इक्वल टू म्यू स्क्वेयर माइनस 1/μ स्क्वेयर, मतलब आपको मिल जाएगा कॉस आई सी की वैल्यू. तो कॉस आई सी विल बी अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वेयर माइनस 1/μ स्क्वेयर. तो मैं ऐसा करता हूं, इस म्यू स्क्वेयर को रूट से बाहर निकाल लेता. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन पुल दिस आउट फ्रॉम स्क्वेयर रूट, तो ये आपका आ जाएगा जस्ट राइट. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 राइट. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 व्हाट यू हैव इज tan IC, tan IC इक्वल टू क्या था? R/H, बट tan IC साइन IC बाय cos IC R/H, बट साइन IC इज 1/μ, 1/μ अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1/μ, कैंसल कैंसल R/H, करेक्ट. तो आपको मिल जाएगा R इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1. ये मिल गया आपको रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन. देखो यही इक्वेशन आएगा, H अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट. क्लियर यहां तक? आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन, बट एक एक स्टेप पे ध्यान दो. मैं वापस बताता हूं करना क्या है. आई वॉन्ट यू टू बी कॉन्फिडेंट इनफ while deriving any equation. चलो वापस एक बार, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, हम लोग ह्यूमंस हम तो एयर में जी सकते हैं बिकॉज वी ब्रीथ ऑक्सीजन, बट फॉर फिश दे आर सपोज टू बी ऑलवेज अंडर वॉटर राइट. फिश हो या फिर हम लोग भी अंदर चले गए तो प्रॉब्लम ये है कि वी कैनॉट सी इन साइड वॉटर ऑन अर्थ एयर, वी कैन सी थ्रू अ हेमिस्फीयर है ना, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन यू कैन सी 180 180 180 180. तो हमारा फील्ड ऑफ विजन ज्यादा है, बट अगर कोई ऑब्जर्वर फिश हो हम हो अगर इनसाइड वाटर है तो डेंसर मीडियम में है, डेंसर मीडियम में होने की वजह से प्रॉब्लम क्या हो जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. एक एंगल तक आप देख सकते हो, उसके बाद नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा एंगल करने की कोशिश की तो देर विल बी प्रॉब्लम. सो इफ यू ट्राई टू लुक at further greater angles, the light will suffer total internal reflection. So field of vision of a fish inside water is restricted to a cone. यहां तक clear है? अब cone का जो base होता है वो होता है circle. हमारा task ये है कि radius of circle निकालो, हमारा task ये है कि ये area of circle निकालो right? correct. तो क्या करेंगे? हमको पता है व्हाट इज टैन ऑफ थीटा, टैन ऑफ क्रिटिकल एंगल अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, बट यू नो टैन इज नथिंग बट साइन बाय कॉस. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया क्योंकि साइन पता नहीं कॉस पता नहीं, बट यस यू नो व्हाट इज साइन, बट यू हैव लर्न साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज 1/μ राइट. ये हो गया, कॉस का कॉस को भी कर लेते हैं.
Also, you know, क्या बताएं आपको, साइन स्क्वायर क्रिटिकल एंगल प्लस कॉस स्क्वायर क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू वन. देयरफॉर व्हाट यू नो इज कॉस स्क्वायर क्रिटिकल एंगल इज वन माइनस साइन स्क्वायर क्रिटिकल एंगल. तो वन माइनस वन बाय म्यू का स्क्वायर. देयरफॉर यू हैव कॉस स्क्वायर ऑफ क्रिटिकल एंगल एज म्यू स्क्वायर माइनस वन बाय म्यू स्क्वायर. एंड देयरफॉर यू हैव cos of IC as under root of mu square minus 1 by mu. ये equation number 2 बोल देते हैं, ये equation number 1 बोल देते हैं. चलो 1, 2 and 3. तो ये 2 और 3 equation की जो values है sin और cos की, you will be substituting this in equation number 1. तो from equation 1, 2 and 3, साइन IC was 1 by mu, cos IC is under root of mu square minus 1 by mu, this is R by H, mu, mu cancel, correct, right, तो आपको मिल गया यहाँ पे radius of the base का equation, H upon under root of mu square minus 1, what will be area of base, what is area of circle, pi r square. तो pi r square is the area. मतलब pi r का square is h square mu square minus 1 का square root का cancellation. यहां तक clear? पक्का? तो you have area of base. आगे. This is where you have reached. आगे. Normally we or fish will be inside water only. तो देख लेते हैं for water. अगर observer water में है तो water का refractive index कितना होता है? 4 by 3. Put this here. Therefore R will be equal to H upon 4 by 3 का square 16 by 9 minus 1. So this will be R equal to H under root of 16 minus 9 by 9. This is H under root of what is 16 minus 9? 7. Root 7 upon root 9. What is root 9? 3. Aur ye denominator denominator upar jayega. So 3H by. Correct? Agar aapko aisa bola hai, what is the radius of base of the cone of a fish which is at a depth of 10 meter, तो क्या करोगे? 3 into 10, 30 by root 7, direct आ गया. What is area of the base? इसका square करो और pi से multiply करो. Pi r square ही तो है, right? Good, तो pi r square है, multiply, done. So you will get exactly this equation. Right, as I told you, area is pi r square. So, ye pi aur ye 3 ka square 9, h ka square h square aur niche 7. So, you will get 9 h square pi by 7. 9 by 7 pi h square. 9 by 7 pi h स्क्वायर. ये आ गया एरिया ऑफ बेस. ओके, अगर आपको पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ बेस ऑफ द कोन ऑफ विजन ऑफ फिश व्हिच इज एट अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर एच स्क्वायर, व्हाट इज एच? 10, 10 स्क्वायर 100, 100 इनटू 9 900 बाय 7 इनटू पाई. ऐसा सॉल्व करना है तो सिंपल. तो ऑल दोस इक्वेशंस आर ओवर हियर. Right? अभी धीरे धीरे आदत डालो डेरिवेशन करने की. यू हैव टू डिराइव इफ यू वॉन्ट टू क्लियर जे ई नीट. रात को 2 बजे भी नींद से उठा के बोला तो आना चाहिए. बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू टू स्टार्ट मेमोराइजिंग. अब वो इक्वेशन क्या था, आई डोंट रिमेम्बर. जरूरत नहीं है याद रखने की. यू कैन डिराइव. ऑफकोर्स इट विल टेक टाइम इनिशियली, बट बाद में हो जाता है. बाद में यू रिमेम्बर इक्वेशन नेचुरली. आर इज एच अपॉन रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1. ए इज pi r square, इसका square करो pi से multiply करो pi h square upon mu square minus 1 हो गया.
तो यहां तक क्लियर. नाउ वी हैव टू स्टार्ट विथ रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस. अभी तक हमने क्या किया, इफ यू रिमेंबर व्हाट वी हैव सीन सो फार, हमने प्लेन मिरर, फिर स्फेरिकल मिरर्स, उसके बाद रियल डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस, यहां तक देखा है. तो वी विल स्टार्ट विथ रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस. देखो हाउ डू यू गो अहेड, मैंने थ्री क्लास में बताया आपको. नॉर्मली ऑप्टिक्स में देयर आर टू पार्ट्स, वन इज रिफ्लेक्शन. नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वे ऑप्टिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट रे ऑप्टिक्स ओनली. तो रे ऑप्टिक्स में दो पार्ट है. ऑप्टिक्स का दूसरा पार्ट वेव ऑप्टिक्स वो ट्वेल्थ में आएगा, तो वी विल टॉक अबाउट इट इन ट्वेल्थ. रे ऑप्टिक्स के दो पार्ट है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन में दो पार्ट है, प्लेन सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, मतलब स्फेरिकल मिरर्स. रिफ्रैक्शन में भी दो पार्ट है, तीन पार्ट है एक्चुअली, फ्रॉम प्लेन सरफेस एंड फ्रॉम सिंगल कर्व सरफेस. सिंगल कर्व सरफेस एंड देन टू कर्व सरफेस, मतलब लेंसेस, राइट, करेक्ट. ऐसा आपको करते जाना है खुद के लिए. जब आप घर पर रिवाइज करने बैठते हो तो स्टार्ट मेकिंग ब्रेन मैप्स, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू. यहाँ पे क्या क्या देखा था, याद है आपको? दो मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया, व्हाट आर द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, राइट. तो यहाँ पे वी हैव सीन दैट. स्फेरिकल मिरर में क्या क्या देखा था, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. पोजिशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, पोजिशन ऑफ इमेज, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट, ये सब हमने देखा था यहाँ पे. फिर प्लेन में आपने क्या क्या सीखा, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस में क्या क्या सीखा, स्नेल्स लॉ, करेक्ट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देन ऑप्टिकल फाइबर, देन फील्ड ऑफ विजन ऑफ फिश, राइट. ये सब आपने रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस पे देखा है. नाउ हम एक सरफेस को कर्व कर देंगे, उसके लिए क्या इक्वेशन आएंगे देखते हैं. फिर हम दोनों सरफेसेस को कर्व कर देंगे. तो वी आर मूविंग अहेड इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे. तो ये आपको करना है, यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग ब्रेन मैप्स एंड इफ पॉसिबल टेक अ बिग पेज एंड स्टार्ट पुटिंग डाउन फॉर्मुलास आल्सो. सो रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल कर्व सरफेस, अगर आपको याद होगा, मैं फटाफट से आपको एक रिवीजन करा के देता हूं. हमारे पास एक सिंगल कर्व सरफेस है, बाहर एयर है, अंदर ये मीडियम है. इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स था म्यू टू, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स था म्यू वन. इसको कुछ नाम दे दो, ए पी बी, सम कर्व सरफेस ए पी बी, दिस इज एक्सिस, ओके. सो हियर यू हैव एक्सिस, समथिंग लाइक दिस. इफ यू, अगर आपको थ्योरी क्लासेस का थोड़ा बहुत याद है, आपने ऑब्जेक्ट को रखा था यहाँ पे, फिर आप बोलते हो कि ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलेगा जो इन द डायरेक्शन ऑफ पी होगा, मतलब ये ओपी रे, इट विल नॉट रिफ्रैक्ट, इट विल नॉट रिफ्रैक्ट बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो, सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो जीरो. फिर इसके अलावा जो बाकी के रेज है, दिस रे when it is traveling from rarer to denser, it will bend towards the normal or away from normal. So it will bend towards normal. Okay, right. Pakka? Yes. It will bend towards normal. Where will it go? कहाँ जाएगा? ऐसा ऊपर जाएगा क्या? What happens? It goes outside? No. What happens? क्या होगा इस रे का? It will refract and make
इमेज एट सम पॉइंट इनसाइड, भूल गए, यू आर नॉट सपोज टू फॉरगेट सच थिंग्स, नो नो नो। क्या होता है, आपको याद होगा हमने पहले यहां पे नॉर्मल ड्रॉ किया था, लुक्स लाइक अ नॉर्मल, फिर हमने बोला था कि ये रे ऑफ लाइट है, इट इज गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, सो इट मेक्स इमेज एट पॉइंट आई, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर इसको एक नाम दिया था एंगल अल्फा, इसको बोला था एंगल बीटा, इसको बोला था एंगल डेल्टा, करेक्ट, गुड। यहां तक ये है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपका इमेज डिस्टेंस, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट था ओ, उसका पॉइंट इमेज बना आई पे। तो इन दिस केस फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला है जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल वेयर इमेज इज फॉर्म, इमेज कहां बना, मीडियम टू में, उसके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को पहले मीडियम के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेट करता है। अगर आपको याद होगा तो इट वॉज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय। ये था आपका फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस, करेक्ट। म्यू टू इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस म्यू वन इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। फॉर्मूला याद होने चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस, दैट्स इट, इतना ही पता होना चाहिए। म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, यू शुड नो दिस एट द फर्स्ट प्लेस। नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स टू कर्व सरफेसेस लेंस, तो लेंस के लिए लेंस मेकर इक्वेशन लगेगा। ये सिंगल कर्व सरफेस का फॉर्मूला है, लेंस मतलब कितने कर्व सरफेस, टू, तो उसके लिए लेंस मेकर इक्वेशन लगेगा। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेस। तो सबसे पहले यू शुड नो व्हाट आर टाइप्स ऑफ लेंसेस। नंबर वन, सो देयर आर मेनी, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में बाय कॉन्वेक्स, प्लानो कॉन्वेक्स, कॉन्केवो कॉन्वेक्स, राइट, एक एक करके देखते हैं हम लोग। सो फर्स्ट टाइप कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में तीन, बाय कॉन्वेक्स, व्हाट इज बाय कॉन्वेक्स, टू कॉन्वेक्स सरफेसेस। अब एक सिंपल सा डाउट हमेशा आता है, ये सरफेस कॉन्वेक्स है कि ये सरफेस कॉन्वेक्स, नंबर वन इज कॉन्वेक्स और नंबर टू इज कॉन्वेक्स, विच इज कॉन्वेक्स, वन, बोथ आर कॉन्वेक्स, गुड आंसर, हाउ कैन यू से बोथ आर कॉन्वेक्स, सेम आंसर। तो इट डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मैं यहां से देख रहा हूं तो पहला सरफेस इज बल्जिंग आउट, ओके, तो कॉन्वेक्स, मैं यहां से देख रहा हूं तो सेकेंड सरफेस इज ऑल्सो बल्जिंग आउट, तो सेकेंड भी कॉन्वेक्स, बट इफ आई लुक फ्रॉम हियर देन सेकेंड बिकम्स कॉनकेव। तो जब आप बाय कॉन्वेक्स बोलते हो तो बाय कॉन्वेक्स का मतलब होता है कि दोनों के दोनों सरफेसेस दे आर बल्जिंग आउट एंड सरफेस नंबर वन इज हियर, सरफेस नंबर टू इज दिस वन, तो पहली सरफेस का पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहां पे है, दूसरे का पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहां पे, एनीवेज दिस इज बाय कॉन्वेक्स, राइट, गुड। देन अब ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, यू कैन डू दिस ऑल्सो, पहला सरफेस प्लेन, दूसरा कॉन्वेक्स, तो जैसे यहां पे इसको आपने बोला था बाय कॉन्वेक्स,
एंड बाय द वे बाय कॉन्वेक्स में और एक टाइप भी है, दोनों सरफेसेस का रेडियस सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता. यू कैन हैव अ लेंस लाइक दिस, ये भी बाय कॉन्वेक्स है, सिर्फ पहले सरफेस का रेडियस कम है, दूसरे का रेडियस ज्यादा है. दिस इज ऑल्सो बाय कॉन्वेक्स बट दिस इज नॉट इक्वी कॉन्वेक्स. इक्वी कॉन्वेक्स मतलब व्हेन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सरफेसेस आर इक्वल सेम, राइट. तो बाय कॉन्वेक्स में दो टाइप होते हैं. यू कैन हैव इक्वल कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स इफ आर वन इक्वल टू आर टू, बट वेट अ मिनट, आर वन विल बी मेजर टूवर्ड्स राइट, मतलब पॉजिटिव, एंड आर टू विल बी मेजर टूवर्ड्स मतलब नेगेटिव, मतलब मॉड ऑफ आर वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर टू, देन इट इज इक्वी कॉन्वेक्स. क्लियर? हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके लेंस मेकर इक्वेशन के मैं शॉर्टकट फॉर्मूला बना के देने वाला हूँ. क्योंकि लेंस मेकर इक्वेशन अगर आपको याद होगा, याद होना चाहिए, क्योंकि कल भी हम लोगों ने थ्योरी क्लासेस में इन डिटेल हमने वो यूज किया था. 1 by f equal to mu minus 1, 1 by r1 minus 1 by, तो r1 r2 पे डिपेंड करता है वो फोकल लेंथ. तो एज यू सी बाय कॉन्वेक्स के लिए r1 r2 डिसाइड करेगा कि फोकल लेंथ क्या है. प्लेनो कॉन्वेक्स, व्हाट इज द रेडियस ऑफ प्लेन सरफेस? इंफिनिटी. कैसे? व्हाट इज द प्लेन सरफेस? यू शुड नो बेसिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक्स. आप ऐसा बोलते हो प्लेन सरफेस या स्ट्रेट लाइन इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ वेरी बिग सर्कल. Oops, you have a very big circle. इस very big circle का एक छोटा सा part will be a straight line. इसका मतलब इसका center कहाँ होना चाहिए? Infinity पे. Correct? तो this is what you need to know. ये पता होना चाहिए आपको. हम लिखेंगे आगे, but for the time being you should know this. Now, this is called as plano convex. Then you may also have one more type, or a type mil sakta hai aapko. You can have first surface as concave, dusra as convex. So concave convex, pehla surface concave kyunki main yahan se dekh raha hu aur dusre ko main yahan se dekh raha hu, to dusra kya hai? कॉन्वेक्स. पहला क्या है? कॉन्केव. तो यू कैन हैव कॉन्केवो कॉन्वेक्स, करेक्ट. नाउ रिलेटेड टू कॉन्केव यू हैव द सेम सिमिलर थ्री टाइप्स. तो यू कैन हैव हियर फर्स्ट ऑफ ऑल You can have दोनों सरफेस, दोनों के दोनों सरफेस, सरफेस वन एंड सरफेस टू. दिस इज हाउ यू गेट. तो ये आपको मिलेगा बाय कॉन्केव वन एंड टू. दिस इज बाय कॉन्केव. By concave can also be equiconcave if mod of R1 equal to mod of R2. So you can have equiconcave provided mod of R1 equal to mod of R2 concave, right? उसके बाद क्या था? प्लेनो कॉन्वेक्स. तो वहां पे क्या आएगा? प्लेनो कॉन्केव. तो दूसरा सरफेस कॉन्केव और पहला सरफेस प्लेन, समथिंग लाइक दिस. तो थोड़ा सा ये आ गया आपका प्लेनो कॉन्केव.
आज मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, कल हर एक के लिए फॉर्मूला बनेगा. टुमारो वी आर गोइंग टू मेक फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ ईच ऑफ दिस. तो सब पता होना चाहिए. देन अगर ऐसा रहा तो क्या बोलोगे? व्हाट विल यू कॉल दिस? कॉन्वेक्सो कॉनकेव. सो दिस इज कॉन्वेक्सो कॉनकेव. कॉन्वेक्सो कॉनकेव. नाउ दोज हु आर वियरिंग लेंस विद नेगेटिव पावर लाइक मी, विच वी कैनॉट सी ऑब्जेक्ट्स विच आर फर्दर अवे क्लियरली. दूर के ऑब्जेक्ट हमको अच्छे से नहीं दिखते. Now think about it, which type of lens you are using. आप कहां से देख रहे हो? रेफरेंस पॉइंट here, here. So which lens you are using? Concave or convex. Okay, so this is what you are using. Anyways, good. So आपको ये सारे के सारे types of lenses याद रहेंगे, याद रहेंगे पक्का. सो इफ यू रिमेंबर ऑल दिस टाइप्स, टुमारो वी विल मेक इक्वेशन फॉर फोकल लेंथ. क्योंकि आई डोंट वॉन्ट एग्जाम में जब आपके पास क्वेश्चन आए टू फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ वन ऑफ दिस लेंसेज, आप ऐसा करते बैठो. आई डोंट वॉन्ट दिस. मैं एक एग्जाम्पल देके खत्म करता हूं आज. अगर बाय कॉन्वेक्स है और बाय कॉन्वेक्स इक्वी कॉन्वेक्स है, मतलब ये लेंस है, ओके? तो आपको पता है इक्वी, इक्वी मतलब आर वन की वैल्यू इक्वल टू आर टू की वैल्यू इक्वल टू आर मॉड. लेकिन आर वन पहले का रेडियस टुवर्ड्स राइट एंड दूसरे का रेडियस टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब आर वन विल बी पॉजिटिव एंड आर टू विल बी नेगेटिव, ओके? बट यू विल हैव वन बाय एफ इक्वल टू म्यू माइनस वन, 1 by R1 पॉजिटिव, बट R1 की वैल्यू क्या ली थी हमने? R. और ये था नेगेटिव. इफ यू रिमेंबर R2 क्या है? नेगेटिव. बट R2 की वैल्यू क्या है? R. R है ना? यस, बिकॉज इट इज इक्वी कॉन्वेक्स. तो म्यू माइनस वन, 1 by R प्लस 1 by R इज 2 by R. तो फोकल लेंथ F इज रेसिप्रोकल R अपॉन 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस वन, करेक्ट? अभी आपने जो लेंस यूज पहनते हो कौन से मटेरियल का है? ग्लास. तो नॉर्मली यू हैव लेंस मेड अप ऑफ ग्लास. तो म्यू की वैल्यू कितनी थी ग्लास के लिए? 3/2, मतलब 1.5. 1.5 माइनस वन इज 0.5. 0.5 इज हाफ, करेक्ट? टू और हाफ कैंसल, एफ इक्वल टू राइट. अगर आपको क्वेश्चन आया you have biconvex lens with equal radius of curvature, right? With value of radius being 20 centimeter, find the focal length. Focal 20 centimeter. Khatam question. Orally khatam. Kuch solve nahi karna. Provided you know all this. Pata hoga to. And by the way, f equal to r by 2, wo mirror mein hota hai. वो लेंस में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो लेंस के लिए बाय डिफॉल्ट एफ इक्वल टू आर बाय टू नहीं लेना है. मिरर के लिए एफ इक्वल टू आर बाय टू ले सकते हो. लेंस के लिए एफ इक्वल टू आर बाय टू बाय डिफॉल्ट हर जगह पे नहीं अप्लाई करना है, अदरवाइज यू विल लूज मार्क्स. सो दैट्स इट फॉर टुडे. टुमारो विल मेक इक्वेशन फॉर ऑल दिस लेंसेस.